हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हिटमैन 2 को ट्राई करेंगे Realme 5 डिवाइस में। इसके लिए जो सेटिंग्स रखी हैं ये आपके सामने हैं। एमुलेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड को आप 60 पर करें। इसको डिसलाइक रखना है। ग्राफिक्स में वीडियो बैकएंड में वुल्कन है, ओपन जीएल और वुल्कन पर दोनों पर सेम चलेगा। एस्पेक्ट रेशो स्ट्रेस टू विंडो फुल स्क्रीन के लिए। रिजोल्यूशन है 1x पर। बाकी की सेटिंग्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हैं। हैक्स में सारे सिलेक्टेड हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के जीपीयू टेक्सचर डिकोडिंग, बाकी सब सिलेक्टेड। लास्ट की कुछ वीडियोज़ में जो एमुलेटर मैंने ट्राई किया था वो एक अलग एमुलेटर था, ये वाला अलग एमुलेटर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। जो पिछले वाला एमुलेटर वर्जन था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसमें ये वाली स्टिक आपको नहीं मिलेगी जिससे कैमरा चेंज होता है, तो कैमरा चेंज नहीं कर पाओगे उसके साथ। इसके लिए ये वाला वर्जन ट्राई कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर गेम की क्लिप है और गेम की क्लिप में अभी के लिए 60 FPS है। अगर एमुलेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड को आप 100 पर रखोगे तो यहाँ पर वॉइस लैग होगी, तो इसके लिए हमने 60 रखा है उसको। 60 के साथ ज़्यादा स्टेबल चलेगा। गेम की क्लिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है 60 FPS पर। कभी कभार एक आधा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है जिसका आपको पता नहीं चलेगा। गेम प्ले टाइम पर देखते हैं कितना बढ़िया चलेगा। लोडिंग में फ्रेम रेट 1 या 2 FPS थी। यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया, 30 FPS पर गेम चल रहा है। जो दूसरे वाला एमुलेटर वर्जन था उसमें ज़्यादा स्टेबल चल रहा था, पर उसमें आपको एनालॉग नहीं मिलेगा ये वाला, जिसकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस गेम को। यहाँ पर गेम की क्लिप में 30 FPS है। बी के लिए ठीक ठाक चल रहा है। ये गेम काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुराने तरह के इसमें ग्राफिक हैं, काफ़ी अजीब सा लग रहा है मेरे को ये खेलते वक्त। Realme 3 Pro के साथ एक डिस्प्ले इशू था पबजी खेलते वक्त, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उस पर काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास बार बार, तो उसमें वो बोलते हैं कि तुमने थर्ड वाला कंट्रोलर सेट किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पर मैंने उस वीडियो में फर्स्ट वाला कंट्रोलर ही सेट किया था, मैं 100% श्योर हूँ। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो मैं डिस्प्ले पर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग पर कर रहा था, तब कैमरा चेंज हो रहा था उसमें। और सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आई थी और अभी भी आ रही है, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं मेरे पास उसके रिगार्डिंग। पर कुछ लोग नहीं मानते हैं जो ब्रांड लवर है, या फिर कोई होता है ना जिनका मतलब दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, जिनको ये लगता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास है ही नहीं। डिवाइस मैंने अपने हाथों से टेस्ट किया था तो उसमें कुछ डिस्प्ले इशू था, इसलिए मैंने वीडियो में बताया था। उसमें कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। यहाँ पर गेम की क्लिप में 30 FPS है और गेम अभी के लिए काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, इसमें काफ़ी स्मूथ है, 100% स्पीड पर चल रहा है ये गेम।
through to Diana. We need to confirm your ID registration, please. My number is BRO3886. Put Diana on, she'll recognize my voice. 47. Game playable चल रही है, काफी स्मूथ है. कोई वॉइस लैग अभी के लिए मेरे को नजर नहीं आ रही इसमें. गन नहीं ले सकते हैं क्या अभी? इधर एक पुतला था, वो कहाँ गया? ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऐसे गन सिलेक्ट होंगे. यहाँ पर फिर से गेम की क्लिप, एक बार फ्रेम रेट 50 FPS के आसपास गई थी, फिर से 30. गेम 100% स्पीड पर है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है. यहाँ पर कोई वॉइस लैग नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, पर उसका आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि गेम 100% स्पीड पर है और फ्रेम रेट 25 के ऊपर रहती है, तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा फ्रेम ड्रॉप का. यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, इस साइड 22 FPS जा रहे हैं. ये गेम पता नहीं कितने साल पहले खेली थी मैंने, मर गए. बटन वहां पर सेट करना चाहिए था. यहाँ पर काफ़ी फ्रेम ड्रॉप था, 13, 17, 14, अभी 20 FPS. इसको गन को कैसे अंदर करो? गेम वैसे प्लेबल है, कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो जाता है, जैसे अभी हुआ था. इससे पहले जब मैंने टेस्ट किया था तब यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था. कहाँ से गोली पड़ रही है? मैं तो ड्रेस चेंज करके आ रहे हैं, फिर भी पीछे पड़े हैं. वाह, एनिमी के सामने खड़ा हूँ मैं एकदम.
ये एनालॉग से कंट्रोल करना काफी मुश्किल रहता है। यहाँ पर फ्रेम रोक है 20 हुआ था, फिर से 30 हो गया है। इसको नहीं मारना है क्या? सबको उड़ा दिया मैंने। इस गेम को वैसे स्टेल्थ खेलना होता है, थोड़ा सा सेफ। मैंने यहाँ पर तबाही मचा दी है। बहुत सारे ऐसे मिशन होंगे, इस तरह से आप खेलोगे तो फेल हो जाएगा। हो जाना उधर, ये बस एनालॉग से मेरे से कंट्रोल नहीं होता इसके। रिलोड हो जा, रिलोड हो, रिलोड। दस 15 मिनट हो चुके हैं मेरे को इसको टेस्ट करते हुए, और गेम प्लेबल है इस डिवाइस के साथ। परफेक्ट नहीं है पर प्लेबल है। कभी कभार ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, अधिकतर गेम काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। अभी यहाँ पर 27-28 FPS है। और इस वीडियो में इतना ही गेम प्ले करेंगे, ज़्यादा बड़ा गेम प्ले नहीं करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं।